वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2023 को लेकर के बोली बड़ी बात। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को लेकर रोहित शर्मा ने कहा कि पूरी टीम का फोकस उस ट्रॉफी को जीतने पर है। रोहित ने कहा कि मुझे किसी का चेहरा नहीं दिखता है, मुझे बस तीन पिलर पर खड़ी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ही नज़र आती है। आईसीसी वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से खेला जाना है। टीम इंडिया उम्मीद करेगी कि 2011 के वर्ल्ड कप का इतिहास फिर से दोहराया जाए, जब महेंद्र सिंह की धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप को जीता था। कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियों को लेकर के बात की है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विमल कुमार को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि वर्ल्ड कप सबसे अहम ट्रॉफी है, मुझे बस वर्ल्ड कप दिखता है भाई, किसी का चेहरा नहीं दिखता है, सिर्फ वर्ल्ड कप दिखता है। रोहित शर्मा ने यह भी बोला कि उनके लिए वर्ल्ड कप इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। T20 वर्ल्ड कप जीता था लेकिन 50 ओवर का वर्ल्ड कप ही होता है और ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है और उसका कुछ खास ही चार्म भी है, क्योंकि जो वर्ल्ड कप पहली बार जब खेला गया था तो 50 ओवर का ही वर्ल्ड कप खेला गया था। मेरे लिए जब वर्ल्ड कप की बात होती है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमने अभी तक दो वर्ल्ड कप जीते हैं, 1983 में और फिर 2011 में, तो उस समय क्या क्या चीजें हुई थी वो आपके दिमाग में रहती ही रहती हैं। जैसे 1983, हालांकि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था लेकिन मैंने क्लिप देखी है, जो अच्छी चीजें हुई थी, मुश्किल मैच जो जीते थे, वो सब दिमाग में आता ही आता है, ऐसा रोहित शर्मा का मानना है। और रोहित शर्मा के दिमाग में वर्ल्ड कप को लेकर के बहुत ही बड़ी पिक्चर चल रही है। आपको बता दें कि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेले गए वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली थी और 2011 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किए जाने पर जब रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया तो रोहित शर्मा ने कहा कि इतना आगे का मैं नहीं सोचता, खेल में आप हमेशा कमबैक कर सकते हैं, किसी भी एज में कमबैक कर सकते हैं, किसी और को नहीं, खुद को साबित करने के लिए आप कमबैक जरूर कर सकते हैं। 2011 वर्ल्ड कप में जब टीम से मैं ड्रॉप हुआ था तो लगभग यही लग रहा था कि मैं अब आने वाले समय में कोई भी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाऊंगा और अब ये मेरा तीसरा वर्ल्ड कप है। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगता है कि नामुमकिन है लेकिन हो जाती हैं। नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। वहीं जब 2019 के वर्ल्ड कप को लेकर के रोहित शर्मा से सवाल किया गया तो रोहित शर्मा ने 2019 को अपने प्रदर्शन को लेकर के कहा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छा करूं, अच्छे फ्रेम में रहूं, 2019 में प्रैक्टिस अच्छी की थी, अच्छे फ्रेम में था, जो चीज़ें मेरे हाथ में है मैं वो करूंगा। वो 2019 था और अब ये 2023 में है। हमें आदत है कि जो पिछली बार हुआ वो फिर से हो, लेकिन मैंने 5 शतक लगाए थे लेकिन हम सेमीफाइनल में हार गए थे, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ दोबारा फिर से हो, तो सब कुछ 2019 के जैसा नहीं होना चाहिए, भले ही मेरे 5 शतक लगे, एक लगे, एक भी ना लगे, लेकिन हमें ट्रॉफी जीतनी है, मैं लगाऊं ये लगाए वो लगाए, बस हमें ट्रॉफी जीतनी है, तो ट्रॉफी जीतनी है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में इस वर्ल्ड कप को जीत पाएगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वर्ल्ड कप से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अपडेट्स एंड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वर्ल्ड कप की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।